नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इस पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि एक डीबी को लेकर के स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न भी हैं आपके इससे संबंध, उनको भी मैं सम्मिलित करूंगा। जैसे कि हम बात करेंगे किस पे हम बात करेंगे पॉइंट पे, देखो मार्कशीट को लेकर कौन कौन सी आपको मार्कशीट जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र को लगातार स्टूडेंट पूछते हैं, सर जाति प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा, इस पर हम बात करेंगे। मूल निवास EWS मुख्य होकर हम बात करेंगे, EWS है कब तक का मान्य होगा, ठीक है। और जैसे कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है और उसमें कोई किसी प्रकार की मिस्टेक है, जैसे किसी के नाम को लेकर के या एड्रेस को लेकर के किसी प्रकार से, तो उसमें जो क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को ही पूछे, सर क्या एप्लीकेशन फॉर्म की क्या ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने भरा था लेखपाल के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते सर कि ID प्रूफ भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कौन कौन से ID प्रूफ आपके चलेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र भी क्या लगता है, ये भी बात करेंगे। मेडिकल होता है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। ये सभी आप क्वेश्चन जो है लगातार पूछते रहते हैं, ठीक है, तो इस पर भी हम जो है अब बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा कि आपका जो DB है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है, वो कौन करवाएगा, वो आपको करवाएगा UP SSC आयोग, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग। इसके द्वारा ही पूरी भर्ती ये कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है। तो ये UP SSC ही आपका DB करवाएगा। और ये DB होगा कहाँ, ये आपका होगा लखनऊ में। कहाँ होगा ये आपका DB जो है, लखनऊ में ही होगा। लखनऊ में कहाँ होगा आपका ये, लखनऊ में आपका होगा पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, जहाँ इसका कार्यालय है UP SSC लखनऊ कार्यालय पे, ठीक है। वहीं जो है इसका जो है पूरा DB हर भर्ती का ही UP SSC आयोग यहीं करवाता है, ठीक है। तो आपका DB यहीं होगा UP SSC कार्यालय पर, ठीक है। चल एक बात और समझेंगे यहाँ पे, किसका जो नोटिफिकेशन है वो आया था 28/1/2022 को लेखपाल का, और इसका जो अंतिम तिथि थी रजिस्ट्रेशन करने की वो थी 4/2/2002। इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर के, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि क्या सर एडमिट कार्ड जारी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बिल्कुल, एक बाकायदा जो है आपका एक एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है। और उस एडमिट कार्ड पर बाकायदा आपका डेट, टाइम मतलब शिफ्ट लिखी हो, किस शिफ्ट में आपका है, सुबह है शाम है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है प्रपत्र भी जारी होंगे। प्रपत्र एक पूरा फॉर्म रहता है, एक फॉर्म आपके लिए जारी किया जाएगा बाकायदा, ठीक है। इस फॉर्म में क्या होगा, 7 से 8 पेज रहते हैं, ये आपको भरने होते हैं, ठीक है। जैसे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है लेखपाल के लिए, उसी प्रकार से पूरा एक प्रपत्र आपको भरना होता है। इसमें क्या भरना होता है अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसमें फ़ोटो वगैरह लगेगा सबसे पहले, तो उसके साथ साथ आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस पूरा, उसके साथ साथ डिटेल और जैसे योग्यता से संबंध पूरी डिटेल आपको भरनी होती है। कहीं आपने जॉब किया सब गवर्नमेंट जॉब तो उससे संबंध पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी। संविदा पर अगर आपने जॉब किया, कोई एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको भरनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और हम योग्यता की अगर हम बात करें 10th 12th को लेकर मार्क्स आपके कितने नंबर आए, किस सब्जेक्ट में आए, तो ये भी आपको भरने को मिला है अभी तक जो भी DB हुए उनमें, ठीक है। तो ये आपको भरना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे आप बहुत अच्छी तरह से भरेंगे, इससे जो है आपको बहुत अच्छी तरह से भरेंगे, क्योंकि यही जो आप जानकारी देंगे यही आपकी जो है आगे प्रोसेस चलेगी आयोग की तरफ से, या फिर आप जब भी जॉब जहाँ भी आप जिस जिले में आप जॉब करेंगे, ठीक है, विभाग में जाएंगे तो विभाग में भी जो है बहुत सारी चीज़ होती है, तो यही आपकी जो दी गई जानकारी यही आगे की प्रोसेस आपकी चलेगी, तो ये आपको अच्छे से भरेंगे। वैसे मैंने DB करवाया है कई बार, तो जैसा कि मैंने उस प्रपत्र को भरवाया भी है, पुरानी वीडियो अगर आपने देखी होगी तो, लेकिन जब भी आएगा एडमिट कार्ड तो पुनः एक बार बताऊँगा आपको उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किस तरह से आपको भरना होता है, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ जैसे अगर अब हम बात करें, ये तो आपका हो गया, आपकी डेट होगी, उस डेट को आप जो है एडमिट कार्ड आपका आ गया, आप DB करवाने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे बड़ी बात हम करेंगे मार्कशीट की, ठीक है। मार्कशीट
जैसा कि आपको ये पता होगा कि इसकी योग्यता क्या है, इसकी जो योग्यता जो मांगी गई थी वो आपकी ट्वेल्थ मांगी गई थी कि ट्वेल्थ तो कंपलसरी आपका ही होना ही होना चाहिए। तो आपकी मार्कशीट आपकी जो भी टेंथ की, ठीक है, और ट्वेल्थ की जो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट के साथ साथ अगर आपकी सनद है, जैसे आप सनद भी पहले जारी हुआ करती थी, आपने काफ़ी लंबे समय पहले अगर आपने 2005-04 में अगर आपने 6-7 तक लगभग जो है सनद भी जारी हुआ करती थी मार्कशीट के साथ, अब तो खैर मार्कशीट ही जारी होती है, तो अगर आपके पास सनद भी है तो वो भी आप ले जाइएगा, ठीक है। तो मार्कशीट और सनद टेंथ और ट्वेल्थ की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, और उसके साथ साथ जैसे यहाँ तक तो आपके पास कंपलसरी है तो आपके पास होना ही होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, सर हम ग्रेजुएट हैं तो क्या भर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप डिटेल भरना चाहते हैं तो जो आप भर सकते हैं, इसमें आपके पास चॉइस है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप जो है भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं, अगर हैं तो भर सकते हैं, और हैं भी अगर नहीं भरना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है, वैसे अगर आप हैं तो भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास जो है सर्ट मार्कशीट वगैरह होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आगे अगर हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, जाति, ठीक है, जाति अगर हम प्रमाण पत्र के लिए हम बात करें तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, जाति प्रमाण पत्र आपका जो मान्य होगा, जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ना 4/2/2022 से पहले का जो है आप मान्य होगा, ठीक है, पहले का मान्य होगा आपका, ठीक है, मान्य होगा 4/2/2022, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं, मार्कशीट की बात हो गई, ठीक है, सबसे पहले ये बात समझिएगा, जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी डिवोर्स आपके किस उत्तर प्रदेश सरकार के बने होने चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के जो है बने होने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, तभी आपको जो आरक्षण प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के ये बने होने चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपका जो मैं जैसा बता ही चुका हूँ कब का मान होना चाहिए, ये आपका मान होना चाहिए 4/2/2022 से पहले का बना हो, ये आपका 4/2022 पहले का आपका बना हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर हमारा 2017 का है, 2018 का है, 2019 का है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 4/2/2022 से पहले का जाति प्रमाण पत्र आपका बना हो, कोई दिक्कत, कोई आपकी बाद का आपका नहीं चलेगा। पहले यूपी टपलासी में होता था, जब 2017 से पहले की जो भी नोटिफिकेशन थे उनमें ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं होता था कब का जो है मान होगा, कभी भी तब मान हो जाता था, लेकिन अब जो है आपको नोटिफिकेशन से पहले का 4/2/2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म लास्ट डेट है उससे पहले का ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मूल निवास की अगर हम बात करेंगे, मूल निवास की, तो देखो मूल निवास के लिए यूपी टपला से आगे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी फाउंडेशन नहीं है कि कब का मान होगा, और मूल निवास पर कोई दिक्कत भी नहीं होती, ठीक है। तो मूल निवास आपका जो है कभी का मान हो सकता है, ठीक है, कभी का हो कोई दिक्कत नहीं, पहले का हो या बाद का हो, अभी भी बनवा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मूल निवास को लेकर के कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम EWS को लेकर के, इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है, कब का मान होगा, कैसे मान होगा, तो वो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जो भी नोटिफिकेशन आपका आया था, जैसा कि आपको पता है, तो ये फाइनेंशियल ईयर आपकी जो फाइनेंशियल जो ईयर थी वो 2021 थी, तो आपका जो 2021 का मान होगा, यानी कि अप्रैल 2021 से लेकर के, और आपका ये लास्ट डेट थी आपकी 4/2/2022 तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 4/2/2022 के बीच का आपका जो है फाइनेंशियल, जो आपका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, नोटिफिकेशन आया है उसी फाइनेंशियल ईयर का आपके पास जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए EWS, ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपको नहीं, अगर आपने बाद में बनवाया है तब भी नहीं चलेगा, अगर आप 4 साल पहले के रखे हैं तब भी आपका जो है नहीं चलेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल आप कब है, अप्रैल से लेकर मार्च तक की जो है भारत की होती है, तो उसी के मध्य की जो आपका जो इसी ईयर का होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, इम्पोर्टेंट है ये। अब हम बात करें जैसे कि किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है कि सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की गलती हो गई है तो क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि DB, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं DB है क्या, DB में कुछ हमें निकाल देंगे बाहर, एक सामान्य सी प्रोसेस है, इसमें सामान्य प्रोसेस है, इसमें सिर्फ ये जाना जाता है, सामान्य
प्रक्रिया है एक ये, इसको आपको लेकर परेशान ना हो, घबराएं बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जांचा जाता है कि वही व्यक्ति हैं आप जिन्होंने परीक्षा दी है, जिसको हम जॉब देने जा रहे हैं, क्या वही व्यक्ति जिन्होंने कोई फर्जी बना, कोई डॉक्यूमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट है कोई अदर व्यक्ति तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ इतना जांचा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कोई मार्क्स जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए क्या वाकई में सही है या फिर गलत है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नाम आपको किसी प्रकार की अगर कोई भी मिस्टेक आपके पास है तो आपको परेशान हो, आपसे डीवी से बाहर बिल्कुल नहीं किया जाएगा, डीवी से आपको जो है बिल्कुल बाहर बिल्कुल नहीं किया जाएगा, परेशान हो। बाकायदा यूपी टपलासी आयोग जब 15 दिन का समय देता है, अगर कोई आप सुधार कर सकते हैं तो उसमें 15 दिन बाद कहते हैं कि आप 15 दिन का समय देगा, 15 दिन बाद आप जमा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन के अंदर कोई भी मिस्टेक है तो उसे सुधार करके आप जमा कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं ले जा पाए किसी कारणवश तो वो आपको 15 दिन में वहाँ पर जमा करना होता है, और एक एफिडेविट भी लग जाता है, एफिडेविट भी आप लगा देंगे, वो भी भरवा लेते हैं किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो एफिडेविट लग जाते हो, लेकिन आपको इसको दिक्कत हो परेशान मत होइए, ठीक है। इसमें लेकर आप कोई मिस्टेक है, कोई किसी की स्पेस है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं मेरे पिताजी के नाम में पहले ये था और स्पेस लग गया है, माताजी के नाम में कोई मिस्टेक हो गई है या इस तरह का कोई नाम हो गया है, तो ये इसको लेकर आप कोई दिक्कत उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, कोई आपका डीवी होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक एफिडेविट ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म जरूरत पड़ेगी, देखो अभी तक तो कोई, अभी तो जितने भी डीवी हैं एप्लीकेशन फॉर्म की कोई ज़रूरत आपकी अभी तक नहीं पड़ी है, ठीक है। क्योंकि जो आप प्रपत्र जारी होते हैं वो आपको एक एप्लीकेशन की तरह ही होता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एंड सब कुछ लिखा होता है, उसको पुनः एक बार आपको सही से डिटेल भरनी होती है तो कोई जरूरत नहीं पड़ी। आईडी प्रूफ की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आईडी प्रूफ की कोई विशेष आवश्यकता वहाँ पर मांगा नहीं जाता, लेकिन हो सकता है कि यूपी टपलस इस बार कोई बदलाव कर दे, अभी तक जो डीवी हुए उनमें कोई आईडी प्रूफ स्पेशली, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, ऐसी चीज़ें या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, तो ये इनकी ज़रूरत अभी तक तो नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी एक आप जो है अपने पास कोई भी रखिएगा, कोई पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो भी है, तो एक अपना आईडी प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। बाकायदा हो सकता है कि पुट प्लस प्रवर्तन का देश वार्ड में मांग ले कोई, ठीक है, तो आप रख सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र में आपको बता दूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई ज़रूरत अभी तक आपकी नहीं पड़ी, यूपी टपला से चरित्र प्रमाण पत्र से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मांगता है, डिटेल जरूर भरवाता है। जो प्रपत्र आप जैसा मैंने आपको बताया था का जो फॉर्म आपको जारी होगा 7-8 पेजों का, उसमें ज़रूर ये भरवाता है कि आपके पास कोई मुकदमा तो नहीं है, अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो आप उसकी डिटेल भरो, इतना बस होता है इसमें जो है, जो प्रपत्र होगा उसमें, जैसा कि मैंने इसमें बताया था आपको कि जो प्रपत्र होगा इसमें ज़रूर आपको यहाँ भरवाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा है या आप कहीं जेल वगैरह गए तो ये सारी चीज़ों पर डिटेल आपको भरनी होगी, ठीक है। बाकी कोई स्पेशल आपका पत्र नहीं लगता। अब बात आती है मेडिकल की, बात हम बात करें कि सर क्या मेडिकल जो है इसकी ज़रूरत, मेडिकल होता है तो बता दूँ लेखपाल में जो है यूपी टपलस के माध्यम से किसी भी भर्ती में मेडिकल जो है नहीं होता अभी तक तो यूपी टपलस, और किसी भर्ती नहीं, सॉरी कुछ भर्तियाँ हैं जिनमें मेडिकल होता होगा, ठीक है। लेकिन जो है लेखपाल में यूपी टपलस, जैसे कि लेखपाल की हम बात करें, बीडीओ की हम बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जो ज़्यादातर मैंने परीक्षा निकाली उनकी बात करूँ, अभी तक तो कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ी। हो सक जैसे विभाग, जब आप विभाग में जाएंगे, जब आप विभाग में ज्वाइन करेंगे लेखपाल, जब आपको कोई ज्वाइनिंग मिल जाएगी किसी ज़िले में किसी तहसील पर, तो हो सकता है वो विभाग आपसे कोई स्वास्थ्य परीक्षण, कोई आपसे प्रमाण पत्र ले सकता है कि आप स्वस्थ हैं, बस इतना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको, कोई स्पेशल मेडिकल यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारे पॉइंट हो गए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सारे पॉइंट हो गए ना, ठीक ठीक है। तो देखिए ये आपकी सारी चीज़ें हैं, अगर किसी प्रकार की अब भी कोई समस्या आ रही है, जैसे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, बाहर से मैसेज कर देंगे, ठीक है। अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो शाम को कॉल करिएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस नंबर पर आप जो है शाम को 7 बजे के बाद जो है कॉल करेंगे आप, ठीक है। अगर कुछ वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा जो मैंने बताया है बिल्कुल सरल, बहुत आसान भाषा में बताया है, इसमें कोई चीज़ आपको जो है ऐसा मुझे नहीं लगता कि समझ में ना आई हो, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हुआ होगा, कोई दिक्कत आपकी, कोई डाउट नहीं रहोगी होगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।